सभी के साथ। बहुत ही सिंपल तरीके से आप अपने फेशियल हेयर से कैसे छुटकारा पा सकते हैं बिना किसी पेन एंड साइड इफेक्ट के। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ जो रेमेडी शेयर करूंगी, ये रेमेडी आपके चेहरे पर ग्लो लेके आएगी, आपकी स्किन को फर्म करेगी, साथ ही आपके फेशियल हेयर से आपको छुटकारा दिलाने वाली है। फ्रेंड्स, कई बार हम लोग थ्रेडिंग कराते हैं, वैक्सिंग कराते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन काली पड़ने लगती है और थ्रेडिंग कराने से हमारी स्किन बहुत ज्यादा लूज हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स हमारे चेहरे पर रिंकल्स आने लगती है और हम समय से पहले बूढ़े नजर आने लगते हैं। तो आज की ये होम रेमेडी आपके फेशियल हेयर को रिमूव करेगी, आपके चेहरे पर ग्लो लेके आएगी, और यदि आपका सर्दियों में चेहरा बहुत ज्यादा डल एंड ड्राई रहता है तो आपकी स्किन पर बहुत अच्छे से चमक लेके आएगी। सो ये आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, इसको एंड तक जरूर देखिएगा। एंड फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया या फिर आज आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को विद बेल आइकन सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह की इजी एंड इफेक्टिव होम रेमेडी देखने के लिए। सो देरी किस बात की, चलिए आइए फटाफट हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस होम रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है वो है शुगर, यानी कि चीनी। तो एक चम्मच के करीब चीनी मैंने यहाँ एक पैन में ऐड कर ली है। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं इसमें आधा नींबू का पूरा जो जूस होता है वो ऐड कर दूंगी। स्किन पर वाइटनिंग एंड लाइटनिंग का काम करता है नींबू का रस, तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी जो है वो नींबू के शहद में मिक्स हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स, घुल जाए। इसके बाद फ्रेंड्स, इसमें आधा चम्मच के करीब मैं ऐड करूंगी नमक, जो हम सभी के घर में होता ही है। फ्रेंड्स, नमक में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारी स्किन के सेल्स को हेल्दी रखने का काम करता है, साथ ही ये फ्रेंड्स हमारी स्किन को बैक्टीरिया फ्री बनाता है, हमारी स्किन को बहुत अच्छे से क्लींस कर देता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स, हम चीनी अच्छे से नींबू के रस में मिक्स हो जाए तो उसके लिए इस मिक्सर को मैं गैस पर थोड़ा सा गर्म कर लूंगी, यानी कि मीडियम फ्लेम पर मैं इसको तब तक पकाऊंगी जब तक ये मिक्सर हमारा हाफ ना हो जाए इसकी क्वांटिटी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कंटिन्यू मैं इसे सिम फ्लेम पर मिक्स करती जा रही हूँ, इसमें इस तरीके से झाग आ रही है, चीनी जो है वो नींबू के शहद में अच्छे से मिक्स हो जा रही है। फ्रेंड्स, चीनी जो होती है वो हमारी स्किन पर मॉइस्चराइजिंग का काम करती है, जब हम अपनी स्किन पर इसे अप्लाई करते हैं तो ये डीपली हमारा जो फेशियल हेयर होता है उसे रिमूव कर देती है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसको मिक्सर को गैस पर थोड़ा सा पकाया और ये बन के हमारा होम रेमेडी तैयार हो गया है। ये इस तरीके का मिक्सर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हमारे फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए। आप चाहें तो इस मिक्सर को बनाकर स्टोर कर सकते हैं। उसके आगे का मेथड क्या है फ्रेंड्स, यहाँ मैंने लिया है एक क्लीन बाउल और उसमें एक चम्मच के करीब मैंने ऐड किया है बेसन, चने का आटा जो हम सभी के घर में होता ही है। उसके बाद फ्रेंड्स, हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच के करीब ही कॉफ़ी। कॉफ़ी आप कोई भी ब्रांड की यहाँ यूज़ कर सकते हैं, स्किन पर वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग का काम करता है कॉफ़ी। सो फ्रेंड्स, जो हमने अभी मिक्सर बनाया था उसका एक चम्मच के करीब मैं इसमें ऐड कर दूंगी, जो हमने बेसन और कॉफ़ी एक बाउल में लिया है। इन सारी चीज़ों को अब हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के लिए आप रोज़ वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ मैं कच्चे दूध का इस्तेमाल करने जा रही हूँ। कच्चे दूध की हेल्प से इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे, थोड़ा सा ठीक रखेंगे हम इस पेस्ट को। फ्रेंड्स, इस होम रेमेडी को आप फुल फेस पर एज अ ग्लोइंग पैक की तरह भी लगा सकते हैं, फुल फेस के फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन फ्रेंड्स, आप इस होम रेमेडी से अपने बॉडी के किसी भी पार्ट के हेयर को इजिली रिमूव कर सकते हैं। जब आप इस रेमेडी को ट्राई करेंगे फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे कि आपका जो फेशियल हेयर है वो रिमूव होने लगेगा। वन टाइम में रिमूव नहीं होगा, तो फ्रेंड्स इस रेमेडी को आप वीक में 2 से 3 बार ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके चेहरे के जो रोए हैं वो गायब होने लगे हैं। और बाहर की वैक्सिंग कराते हैं फ्रेंड्स तो जल्दी से हेयर ग्रोथ आने लगती है, लेकिन इस तरीके से आप फेशियल हेयर रिमूव करेंगे तो आपकी हेयर ग्रोथ भी स्लो डाउन होने वाली है, यानी कि जल्दी से आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो वापस नहीं आएगी। सो फ्रेंड्स, ये होम रेमेडी मेरी बनके तैयार हो गई है। या फिर फेशियल हेयर कैसे रिमूव करेंगे, चलिए आइए ये भी देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अपर लिप्स पे यदि आप इसे अप्लाई करें इस पैक को, या फिर आप इसे अपने पूरे फेस पर जब अप्लाई करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि अपने उस हिस्से को, अपनी स्किन को बहुत अच्छे से पहले आप साफ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहां मैं अनवांटेड अपर लिप्स को रिमूव करने वाली हूं, तो उसके लिए मैंने एक वेट हैंकी से अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन कर लिया है। यदि आप इसे अपने फुल फेस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपने फेस को अच्छे से पहले क्लीन कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ मेरा फेस हो गया है क्लीन, तो चलिए मैं इसे अब आपको फेस पर लगा के दिखाती हूँ। सो इसको बहुत अच्छे से मैंने यहाँ, जैसा कि आपको बताया, कि मिक्स कर लिया है। और उसके बाद फ्रेंड्स, आप इसे फिंगर या फिर किसी भी ब्रश की हेल्प से आप इसे अपने चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपर लिप्स करने हैं तो आप इस तरीके से अपर लिप्स वाले पोर्शन पर, जहाँ आपका फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर इस तरीके से आप फिंगर की हेल्प से या फिर ब्रश की हेल्प से लगा सकते हैं। यदि आप पूरे फेस का हेयर रिमूव करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, एक थिक लेयर में आप अपने पूरे फेस पर
अच्छे से अप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ मैं अपर लिप्स रिमूव कर रही हूँ, तो वहां पर एक थिक फॉर्म में मैंने इसे अपने अपर लिप्स वाले एरिया पे अच्छे से लगा ली है। फ्रेंड्स, इसको आप लगाने के बाद कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए अपनी स्किन पर ऐसे ही छोड़ देंगे सूखने के लिए। उसके बाद आप कैसे रिमूव करेंगे वो मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ मुझे 5 से 7 मिनट हो गए और ये ड्राई हो गया। उसके बाद आप अपवर्ड डायरेक्शन में फिंगर की हेल्प से इस तरीके से इसे रिमूव करेंगे। आप देखेंगे जब ये पैक आपकी स्किन से निकलेगी ये वैक्स, तो जो फेस का जो हेयर है आपका अपर लिप्स जो है वो इस वैक्स के साथ निकल के बाहर आ जाएगा। आप देखेंगे कि आपके फेशियल हेयर इससे रिमूव हो जाएंगे। फ्रेंड्स, हमारे फेस के जो हल्के रोए होते हैं वो तो एक दो बार के इस्तेमाल से ही दूर होने लगते हैं, निकल जाते हैं रूट से, लेकिन जो मोटा रोया होता है, फेशियल हेयर होता है, वो आसानी से नहीं निकलता। तो उसके लिए आप इस रेमेडी को 2 से 3 बार रेगुलर इस्तेमाल करते हैं वीक में, आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप इसी तरीके से अपने पूरे फेस पर जब इसे एक थिक फॉर्म में लगाएंगे तो इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में रिमूव करते हुए इस पैक को आप रिमूव करेंगे तो आपके फेशियल हेयर भी इजिली रिमूव हो जाएगा। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी स्किन को कितने अच्छे से इस पैक को रिमूव किया और मेरा यहाँ से फेशियल हेयर भी रिमूव हो गया है और स्किन भी काफी ज्यादा स्मूथ ही नजर आ रही है, क्योंकि स्किन पर जितना भी डेड सेल्स वगैरह होता है गेहूं का आटा उसे इजिली रिमूव कर देता है। इसके बाद फ्रेंड्स, आप वेट हैंकी की हेल्प से अपने इस पोर्शन को जहां आपने इस रेमेडी को अप्लाई किया था, तो मैंने अपर लिप्स पे लगाया था, तो मैं अपर लिप्स के एरिया को अच्छे से क्लीन कर लूंगी। आपने अगर पूरे फेस पे लगाया तो आप अपने फेस को भी अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, वॉश करने के बाद आप अपनी स्किन पर जहां से आपने हेयर रिमूव किया है वहां मॉइस्चराइज करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स अभी चल रहे हैं विंटर और स्किन को बिल्कुल भी हमें ड्राई नहीं रखना है, नहीं तो स्किन जब ड्राई होती है तो फ्रेंड्स हमारी स्किन पर रिंकल्स आने लगते हैं, हमारी स्किन बहुत ज्यादा ढीली नजर आने लगती है। तो इसके लिए आप अपनी वैक्सिंग या फिर किसी भी पैक को रिमूव करने के बाद स्किन की मॉइस्चराइज करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा रिच फील्स का मैंने मॉइस्चराइजर लिया है, उसे अपने अपर लिप्स वाले एरिया पे लगाया है और अच्छे से हल्की सी मसाज कर लूंगी, ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि ये जो मॉइस्चराइजर है वो स्किन में अच्छे से इजिली एब्जॉर्ब हो जाए। बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स फेस से हेयर को रिमूव करने का, बिना पैसे खर्च किए, बिना साइड इफेक्ट के, बिना टाइम वेस्ट किए आप इस तरीके से घर में ही फेशियल हेयर रिमूव कर सकते हैं, अपनी स्किन को हेल्दी बना सकते हैं, अपनी स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे फेस पर कितना अच्छा चमक आ गया, स्किन काफी ज्यादा स्मूथ नजर आ रही है। इस तरीके की होम रेमेडीज ट्राई करके आप घर में ही अपनी स्किन को बहुत ज्यादा हेल्दी एंड ग्लोइंग बना सकते हैं। सो फ्रेंड, काफी असरदार रेमेडी है, आप इसे जरूर ट्राई करिएगा। इस रेमेडी को बनाने में आपका खर्चा एकदम ना के बराबर होने वाला है, ये होम रेमेडी आपका टाइम एंड पैसा दोनों बचाने वाली है। सो आप भी इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज की होम रेमेडी आप सभी को पसंद आई होगी, सो आप इसे जरूर ट्राई करिएगा एंड जाने से पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जरूरतमंदों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए या फिर आज आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को विद बेल आइकन सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर स्किन केयर से रिलेटेड इजी एंड इफेक्टिव होम रेमेडीज मैं आप सभी के साथ शेयर करती रहती हूँ। सो जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।